हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज एजुकेशन बेंगलुरु। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रैंकिंग यूनिवर्सिटी में 8th रैंक पे जो यूनिवर्सिटी है, बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट लोग इसको जानते हैं शॉर्ट नेम में TU बर्लिन, सो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, और इट इज़ फाउंडेड इन 1879। तो आप देख सकते हो कि बहुत पुरानी है और हर बच्चे का सपना रहता है कि TU बर्लिन हो या TU म्यूनिख हो या टेक्निकल जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो 9 उसमें उनको एडमिशन मिले, तो ये सपना रहता है। एंड दिस यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये सेंटर ऑफ यूरोप भी आप बोल सकते हो, उसमें प्रेजेंट है। और थोड़ा इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं पढ़ूँ तो आप दी गई स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि लोकेटेड एट सेंटर ऑफ यूरोप एंड दिस यूनिवर्सिटी इज नोन एज इंटरनेशनली with a sharp profile and wide range of qualitative degree programs. It is qualification provide its qualifications provide student with just the means they need to achieve their dream career. Excellence and quality are what define this university alongside its outstanding achievements in research and teaching. The student at this university enjoy a comfortable and diverse environment while being enrolled in the degree program in one of the following field of the studies. So, अभी हम discuss करेंगे कि कौन से course आप TU Berlin में पढ़ सकते हो। तो अगर आपको interest है normal education और humanity के related तो ये course आप पढ़ सकते हो। अगर आपको mathematician बनना है, natural science पढ़ना है तो mathematics and natural science के courses available है। अगर आपको प्रोसेस साइंस पढ़ना है तो प्रोसेस साइंस के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको ट्रैफिक और मशीन सिस्टम लर्निंग के कोर्सेज पढ़ने हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड प्लानिंग, बिल्डिंग, एनवायरमेंट रिलेटेड कोर्स आपको पढ़ने हैं तो वो भी अवेलेबल है। और अगर आपको मैनेजमेंट साइट में जाना है या अकाउंटिंग में तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज भी TU बर्लिन में आप पढ़ सकते हो। तो इस यूनिवर्सिटी में आज के लिए इतना ही। और एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको ये जो जर्मनी की जो आज हम टॉप 10 रैंकिंग की यूनिवर्सिटी की हम जो डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट वीडियो में भी, आप जो भी जितने भी आप वीडियो देख रहे हो अर्लियर भी, तो ये सब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट पाथ पे नहीं गए तो दोस्तों आपकी रेल की जो पटरी है वो मिस हो जाएगी और आप दूसरा डेस्टिनेशन पकड़ लोगे। तो इसीलिए वो चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए वेल केयर ओवरसीज एजुकेशन इज ऑलवेज देयर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर योर कैरियर काउंसलिंग, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो आज के लिए इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।